कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंड क्लिक कीजिए, कोई भी अमाउंट आपका कट नहीं होगा, सेंड क्लिक कीजिए सर। आप सर मम्मा कसम नहीं कटेगा ना? सर भगवान कसम खा के बोलता है, कोई भी आपका अकाउंट से पेमेंट नहीं कट होगा। माँ का कसम खाइए सर, तभी भरोसा करूंगा। क्या बोले सर? माँ का कसम खाइए सर, तभी भरोसा करूंगा मैं। सर माँ कसम खा के बोलते हैं, कोई भी पेमेंट आपका खाते से कटेगा नहीं, ये कस्टमर केयर है सर, ये फोन हाँ पे का एंटर सर अमाउंट एक। आ रहा है सर। हाँ एंटर अमाउंट का नीचे में देखो सर, एड ए मैसेज लिखा हुआ है, एड ए मैसेज। हाँ। हाँ एड ए मैसेज में वहां पर रिफंड लिखे सर, रिफंड R-E-F-U-N-D। आरी FU हाँ रिफंड और बैलेंस कितना कट हुआ आपका? 1100 1100। हाँ 1100 वहीं पे लिखिए सर, रिफंड जहाँ पर लिखे एक बार गैप दीजिए, स्पेस डाल करके वहीं पे लिखिए सर, हाँ लिख दिया। रिफंड 1100 लिखे सर हाँ जी। अभी उसके ऊपर में देखिए सर, इंटर अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है सर। एंटर अमाउंट हाँ लिखा आ रहा है। हाँ इंटर अमाउंट में बैलेंस रिफंड होने का QR ID नंबर लिखिए सर, 4898963 4 8 9 6 3। बराबर है। नीचे में देखो अभी ओके लिखा आ रहा होगा, ओके कीजिए सर। सेंड ओके लिखा नहीं आ रहा है सर। लिखा आ रहा है नीचे, सेंड हाँ हाँ लिखा, सेंड लिखा आ रहा है सेंड क्लिक कीजिए सर। सर। ये अगर सेंड करूंगा तो मेरे खाते में से 48,000 कट जाएगा ना सर? वो बैलेंस वो कटेगा नहीं सर, वो बैलेंस रिफंड होने का वो QR ID नंबर है, कोई भी अमाउंट आपका कटेगा नहीं सर। आपने नीचे में रिफंड लिख के 1100 लिखे है ना सर? वो तो चलो वहां पर तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर अमाउंट पे लिखेंगे तो ये अमाउंट कटेगा, मैं 100% श्योर अमाउंट हूँ आपका सर। कटेगा नहीं सर, ये फोन पे कस्टमर केयर है सर, प्लीज आप बैलेंस कटने के बात नहीं कर सकते हैं सर, ये वॉइस कॉल रिगार्डिंग कॉल होता है सर। एक्चुअली अगर इस तरह बोलेंगे सर तो हम लोग का प्रॉब्लम होता है सर, क्योंकि सर ये कॉल रिकॉर्ड कॉल होता है। ओके सर, कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से कटेगा नहीं सर, प्रोसेस कीजिएगा ना। तो उस टाइम आप UPI पिन डालेंगे तो आपको वहां पर दो ऑप्शन आएगा, एक नहीं रिफंड लिखा आएगा और एक कैंसिल लिखा आएगा, तो आपको रिफंड में क्लिक करना है। ओके सर, नहीं सर, ये तो कटेगा सर, श्योर हूं मैं, पक्का कटेगा। ये तो अमाउंट सर कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से नहीं कटेगा सर, ये कस्टमर केयर नंबर है सर। आप गूगल से नंबर निकाल के फोन पे कस्टमर केयर में कॉल किए हैं सर, हाँ, तो कैसे आपका बैलेंस कटेगा सर? आप बिलीव कीजिए लेकिन सर, कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से नहीं कटेगा सर, लेकिन सर प्रोसेस मैं कीजिएगा, अभी मेरा बात कीजिए। आप सेंड क्लिक करेंगे, सेंड क्लिक करने के बाद आपका UPI पिन का ऑप्शन आएगा, UPI पिन डाल के ओके करेंगे, उसके बाद वहां पर आपको दो ऑप्शन आएगा, एक रिफंड लिखा रहेगा और एक कैंसिल लिखा रहेगा, तो आपको कैंसिल में क्लिक नहीं करना, ओनली आप रिफंड में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? सो मैं अगर आप अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो उसको भी तो ऐसा ही सेम प्रोसेस ही तो है, हाँ तो सेम टू सेम सेम। प्रोसेस ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप ये बैलेंस रिफंड ID नंबर लिखे हैं, तो जब आप UPI पिन डालेंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन खुल जाएगा, एक रिफंड और एक कैंसिल, तो आप उस टाइम आप रिफंड में क्लिक कर देंगे तो बैलेंस आपका जो कट हुआ है 1100, वो बैलेंस आपका रिफंड होगा सर। इसके लिए आई डोंट वरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई भी अमाउंट आपका अकाउंट से कटेगा नहीं सर, सर पक्का नहीं कटेगा? पक्का नहीं कटेगा सर, ये कस्टमर केयर है सर, आपको ऐसा बिलीव कैसे कर रहे हैं सर जो बैलेंस कट जाएगा सर? बैलेंस क्यों कट होगा सर आपका? सर बैलेंस कट हो गया तो फिर सर मेरा नाम दीपक वर्मा है, मेरा एम्प्लॉय नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, अगर ऐसा डाउट आपको फीलिंग हो रहा है कि बैलेंस कट जाएगा तो सर मेरा एम्प्लॉय नंबर भी नोट कर सकते हैं। इसके लिए आई डोंट वरी सर, कोई भी अमाउंट आपका कटेगा नहीं, आप गूगल से नंबर निकाल के कॉल किए ना सर फोन पे कस्टमर केयर में, हाँ तो कैसे बैलेंस कटेगा सर? आप अगर गूगल से नंबर निकाल के कॉल किए हैं तो फिर बोल रहे बैलेंस कट जाएगा, फोन पे का सर इतना बड़ा इतना ऑनलाइन ऐप है पेमेंट करने के लिए, और बोल रहे पेमेंट कट जाएगा, अगर ऐसा पेमेंट कट जाएगा तो फोन पे कौन चलाएगा सर? भाई सर बहुत, मैं तो एक बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर कट गया तो इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कट कोई गया तो दिक्कत फिर नहीं होगा, कोई भी अमाउंट कटेगा नहीं, जो 4 8 9 6 3 लिखे हैं सर वो बैलेंस रिफंड होने का वो QR ID नंबर है, इसके लिए आई डोंट वरी सर, कोई भी पेमेंट आपका कटेगा नहीं सर, आप प्रोसेस कंप्लीट कीजिए सर, सेंड क्लिक कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है, सेंड क्लिक कीजिए सर, पक्का नहीं कटेगा ना सर, आप श्योर पक्का हो? नहीं कटेगा सर, क्लिक कीजिए सर पक्का, कोई भी अमाउंट आपका नहीं कटेगा सर, आप सेंड क्लिक कीजिए सर। सर मेरा तो सर श्योर होना सर, नहीं कटेगा सर बैलेंस आपका नहीं कटेगा सर। फिर भी सर डर लग रहा है, सेंड करूंगा यूपीआई हाँ आप UPI पिन। पिन ऑप्शन आएगा, UPI पिन डाल के ओके करेंगे तो आपको वहां पर दो ऑप्शन आएगा, एक रिफंड लिखा और एक कैंसिल लिखा, तो आप ओनली रिफंड में टच कर देंगे सर, आप सेंड क्लिक कीजिए सर। सर प्लीज सर कटेगा नहीं ना, श्योर बोल रहे हो ना आप? सर बोल रहे हैं सर बैलेंस नहीं कटेगा, बार बार कितना बार एक ही बात बोलेंगे सर, कि बोल रहा हूँ कि नहीं पेमेंट कट होगा सर अभी आपका, आप समझिए ना, अभी मीन्स कैसे भरोसा, मीन्स कोई भरोसा ना। प्रॉब्लम नहीं है सर, इसके लिए आई डोंट
क्वेरी सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, दब, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए सर। ओके सेंड दबा दूँ ना सर? जी सेंड क्लिक कीजिए। नहीं अच्छा नहीं कटेगा ना पक्का? कटेगा सर, एक ही बार 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 बोल रहा है सर। ओके सर, डर लग रहा है सर ऐसे, मीन्स क्यों ना सर, अगर मैं दोस्त को पैसा ट्रांसफर करता हूँ तो सेम प्रोसेस है, ऐसा ही पैसा ट्रांसफर होता आप है। दोस्त को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सेम प्रोसेस इसी तरह आएगा, लेकिन अभी आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपको वहां पर दो ऑप्शन आ जाएगा, एक रिफंड लिखा आ जाएगा और एक कैंसिल लिखा आ जाएगा, तो आपको ओनली रिफंड में क्लिक कर देना है सर। कोई अमाउंट ओके आपका कट नहीं होगा सर, आप प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, कोई भी पेमेंट आपका कट नहीं होगा सर। पक्का ना सर? पता सर नहीं कटेगा सर, एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ सर, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। सर डर लगता है ना, गूगल मेहनत का पैसा है, अगर कट गया तो 48,000 कट जाएगा, इसीलिए तो डर रहा हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंड क्लिक कीजिए, कोई भी अमाउंट आपका कट नहीं होगा, सेंड क्लिक कीजिए सर। आप सर मम्मा कसम नहीं कटेगा ना? सर भगवान कसम खा के बोलता है, कोई भी आपका अकाउंट से पेमेंट नहीं कट होगा। माँ का कसम खाइए सर, तभी भरोसा करूंगा। क्या बोले सर? माँ का कसम खाइए सर, तभी भरोसा करूंगा मैं। सर माँ कसम खा के बोलते हैं, कोई भी पेमेंट आपका खाते से कटेगा नहीं, ये कस्टमर केयर है सर, ये फोन पे का। सर रिकॉर्ड, ओके आप रिकॉर्ड हो रहा है बोल, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी कंपनी में, जी जी रिकॉर्ड हो रहा है तो सर। आपने माँ का कसम खा लिया तो वो रिकॉर्ड मुझे सेंड कर देना बाद में। जी सेंड कर देंगे सर, आप सेंड क्लिक कीजिए अभी। ओके सर दबा दूँ? जी दबाइए। अभी ओके दबा दिया, क्या बता रहा हूँ ऑप्शन सर? लोड हो रहा है। अब फॉर सिक्योरिटी रीजन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मनी फ्रॉम योर अकाउंट नंबर फॉर दिस पेमेंट, बोल के आ रहा है। क्या बताया वहां पे अभी? अब यू सेंड क्लिक किया, हाँ सेंड किया, हाँ सेंड क्लिक किया, उसके बाद मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आप सुन लेना। नहीं, सेंड क्लिक किए, उसके बाद आप सेंड क्लिक करने के बाद वहां पे क्या ऑप्शन अभी आया सर? हाँ ये क्लिक करने के बाद फॉर सिक्योरिटी रीजन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मनी फॉर योर बैंक अकाउंट फॉर दिस पेमेंट, नोट यू डोंट हैव टू एंटर योर यूपीआई पिन टू रिसीव मनी कैशबैक, बोल रहा है सर। हाँ सेंड क्लिक कीजिए वहां पर। सर यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि यू डोंट हैव एंटर टू, यहाँ पर एंटर मत करना यूपीआई पिन बोल रहा है। यूपीआई पिन इंटर करने का ऑप्शन आया अभी? आया नहीं, गॉट इट का ऑप्शन आ रहा है, वो इट्स लिखा आ रहा है क्या? गॉट इट बोल के आ रहा है, उसको क्लिक करके देखूं? क्लिक कीजिए। हाँ हाँ अभी सेंड, फिर से सेंड आ रहा है, सेंड दबा दूं? सेंड दबाइए। लेकिन सर इधर ऐसा आ रहा थी, अरे सेम आ रहा है सर। वही आ रहा है ना, हाँ सेंड क्लिक कर रहे हैं तो गो इट्स लिखा आ जा रहा है ना सर। हाँ फॉर सिक्योरिटी रीजन यू आर नॉट अलाउड टू सेंड मनी, ऐसा आ रहा है। अब टू कॉन्ट आपका फोन पे का नंबर बोलिए सर, ये ऑप्शन से नहीं हो पा रहा। अब अपना फोन पे का रजिस्टर नंबर बोलिए, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। फोन पे का नंबर बोलिए, रजिस्टर नंबर सर आप, हाँ मेरा नंबर यही है सर, जो नंबर है यही नंबर है। जिससे आप कॉल किए यही नंबर है हाँ ना? सर, तो सर अभी बैग बैग चला जाऊं? हाँ ओके हाँ बैग चला गया सर। टू कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है वहां पर, टू कॉन्टेक्ट। टू कॉन्टेक्ट, हाँ हाँ पहले पहले हम लोग टू कॉन्टेक्ट पे गए थे, टू अकाउंट पे गए थे सर? पहले टू अकाउंट में गए थे, इस बार आपको टू कॉन्टेक्ट में जाना है। ओके ठीक है, हाँ सर्च एनी मोबाइल नंबर बोल के आ रहा है। वहां पे नहीं कुछ करना लाइन पर आप। ओके हाँ बोलिए सर। सर जी वहां पे देखिए, अभी आपको टू कॉन्टेक्ट अभी दोबारा क्लिक कीजिए। हाँ यहाँ पर राना, यहाँ पर एक नाम से रिफंड 1100 रिफंड आईडी कोड ऐसा आ रहा है सर, ऑटोमेटिक आ गया ये मैसेज, करो उसको, ओके करो। ये ऑटोमेटिक कैसे आ गया सर? ऑटोमेटिक नहीं आया है सर, अभी वो रिफंड आएगा, उसको कंटिन्यू कीजिए, ओके कीजिए। ओके ये आपने सेंड किया है? जी कंटिन्यू किए। अभी हाँ कंटिन्यू किया है, कर लिया। अभी क्या लिखा आ रहा है मुझे सर? यहाँ पर ये आपका ये जो सेंड किया था उस नाम से खोल के आ गया, एंड यहाँ पर रिफंड 1100 रिफंड आईडी कोड दिखा रहा है, 48963 इंटर एंड अमाउंट में रिफंड आईडी कोड लिखिए सर, 48963 लिखिए। ओके यहाँ पर 4896 ये क्या था, थ्री, हाँ अभी सेंड क्लिक कीजिए सर।
सेंड, ओके सेंड 1 मिनट। यूपीआई पिन पूछ रहा है सर, लेकिन सर मैंने जब दोस्त को ट्रांसफर किया था सेम प्रोसेस ऐसा ही आया था, सेम टू सेम। ओके, यूपीआई पिन नहीं कटेगा ना पैसा तो सर? ये फिर आप अलग तरीका बता रहे हो, इसमें से भी नहीं कटेगा पैसा? बहुत नाराज से बात कर रहे हो सर, क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या आप? सर आप कस्टमर कह रहे हो, अगर आप ही नाराज हो जाओगे हम लोगों से तो कैसा चलेगा? तो बाकी लोग भी तो होंगे ना सर कस्टमर केयर, आप अकेले हो क्या? आप पहले इतने नाराज से बात कर रहे हो, पहले सॉरी बोलिए, नहीं तो नहीं डालूंगा मैं। सर आप इतने नाराज से क्यों बात कर रहे हैं, आप तो कस्टमर कह रहे हैं, आपको तो प्यार से बात करना चाहिए। यूपीआई पिन डाल रहा हूँ सर, पहले सॉरी बोलिए एक बार। इतने नाराज से क्यों बात कर रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा, गाली क्यों दे रहे हो? तुम तो कस्टमर कह रहे हो ना। हेलो सुनो ना, गुस्सा क्यों हो रहा है सुनना? हेलो मैंने क्या परेशान कर दिया इसको, इसका इतना ज्यादा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, बहुत गुस्सा हो गया। देखा आप लोगों ने, एक तरीके से ये लोगों का पैसा नहीं गया तो दूसरा और एक तरीका ये लोगों ने निकाला है, बिल्कुल एक नया तरीका निकाला है ये लोगों ने लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर देख सकते हो इसने कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंड किया रिफंड 1100 बोल के। जिन लोगों को पता नहीं कि फोन पे से कैसा फ्रॉड होता है तो उन लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। आई होप आप वीडियो को शेयर कर दोगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको इस तरीके का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स पर पार्ट 2 लिख देना। मैं आपका भाई लकी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बी सेफ, बाय बाय।